गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फिलहाल मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज हमें ऐसी जगह जाना है जो टूरिस्ट प्लेस में से एक है देहरादून में। तो गाइस आज संडे था तो मेघा जी ने आज कपड़े वगैरह धो लिए थे और बस इतना ही है फिलहाल। और कल हल्की हल्की बारिश थी ना, उसकी वजह से इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना आज का, तो पूरा ठंडा ठंडा हो रहा था भाई साहब। ये गाड़ी यानी छोड़ी पिछा, ये ऐसी आती रहती ना भाई, हर एक मिनट में आती रहेगी और पूरी वॉइस ख़राब कर देगी। तो मैं बोल रहा था कि कल बारिश हुई ना हल्की हल्की, तो उसके चक्कर में आज इतना अच्छा मौसम हो रखा ना भाई, तो आज घूमने में बहुत मज़ा आने वाला है। और हल्की हल्की धूप भी है आज, उसके चक्कर में और अच्छा लगेगा। तो बस फिलहाल हम चलते हैं आपको, और वो लोकेशन कैसी है हम आपको ये भी बताएंगे। प्लीज़ आप भी यार कमेंट करके हमें बताया करो कि आपको कैसी प्लेसेस घूमना पसंद है, क्योंकि हम आप जब आप कमेंट करोगे आप हमें बताओगे कि आपको कैसी कैसी जगह पसंद है घूमना, वैसे हम आपको दिखाएंगे ना। कि तो मुझे रॉबिन को उसके घर पर लेने जाना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरी गाड़ी ले गया ना, और उसकी गाड़ी घर पर ही है, बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो हम आ गए रॉबिन के रूम पे और यहाँ पे देखो ये अब रेडी हो रहा है यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे मैगी खा रहा है, गलती से मैं आई ना ब्लॉग में भाई। तो आएगा तो अब तो आएगा ही। तो ये मैगी खा रहा है और इनके रूम की हालत देखो भाई साहब, इनके घर वाले आ रहे होंगे ना, तो प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो ये ना तुम आते हो सभी का सबक करते हैं सफाई है रॉबिन। अगर मैं लोगों ने कहना था छाया ना कि तू छाया छाया के लगाना दे पर तो बस अभी ये मुंह धुल रहा है भाई, इसने बोला मैं तैयार हो गया हूँ। तो जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाएंगे हम कौन सी लोकेशन पे जाने वाले हैं। तो अगर वीडियो लास्ट तक नहीं देखी तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और आई एम रेडी, बस मुंह धुला पैजामा डाल तुरंत रेडी। चलो चल रहा हूँ। तो हेलमेट पहनेगा क्या पहनेगा है, लाइट ऑन कर दियो। तो बस जल्दी जल्दी हम पेट्रोल भरते हैं, तुरंत निकलते हैं यहाँ से और सब हमारा फाइनल हो गया। डिंपल हमारा वेट कर रही हो है, इसके शूज़ पहने देखो वाइट वाले। बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। अरे क्यों भौंक रहा होगा यहाँ पे घर का। तो फाइनली गाइस जिसका आपको इंतजार था हम उस लोकेशन में आ चुके हैं। तो मेरे पीछे ये लोकेशन और दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू बना है इतना बड़ा, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, कैमरे में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा, बट ये जो ये लोग घुमा रहे होंगे हैं मांगते हैं। तो गाइस मैं आपको एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ, मीट माई फ्रेंड डिम्पल, ये भी एक ब्लॉग बनाती है, विजिट करके आप इसके चैनल को देख सकते हैं। इसका ब्लॉग यहाँ का भी आएगा तो उस पर प्लीज़ लाइक ठोक देना जो यहाँ पे घूमने आएंगे ना भाई, प्लीज इस ब्लॉग को देख यहाँ पे एक बार विजिट करो। कमेंट बॉक्स पे पहले ये दिखाना कि यहाँ का व्यू कैसा आ रहा है। विश क्या मांग रही तू? ना भाई विश तो मांग रही है कुछ, मन के अंदर बड़बड़ा रही है। अच्छा तो बस हम भी कुछ देखेंगे अभी यहाँ पे क्या मांगते हम फिलहाल, तो अभी ये मांगेंगे रोहित भाई का चैनल ग्रो कर जाए। तो जल्दी से जल्दी गाइस 1K करवा दो यार, 930 से ऊपर हो गया, 930 से ऊपर हो गया प्लीज़, मतलब 70 रह रहे होंगे, प्लीज़ जल्दी जल्दी से यार सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, 1K पूरे कंप्लीट करवा दो। तो गाइस हम सबसे पहले आपको यहाँ एक्सप्लोर कराते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि जो ये चीज़ें हैं ये चीज़ें घुमाने से हमारी विशेष पूरी हो जाती है, और ये चीज़ें ना इस स्टैचू के पूरे चारों तरफ है। तो पहाड़ जैसा बना रखा है, तो ये हमारे शिव का होगा, हिमालय हिमालय पर्वत कुछ तू आगे जावे सर, डिस्टर्ब मत कर। तो मैं आपको ये बता रहा था ना कि इस स्टैचू के चारों ओर ना ऐसे घुमाने वाले बना रखे, देख रहे होंगे आप ये सामने, तो इसे घुमाने से विशेष पूरी होती है, यहाँ लोगों की धार्मिक मान्यताएं हैं। और यहाँ पे बता दें मैं आपको, तो जो ये कलर्स होते हैं ना भाई, तो इनके धर्म से रिलेटेड है कुछ, ये मुझे ऐसा नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है कि मुझे कि क्या चीज़ होती है। और यहाँ पर लिखा है डू नॉट क्रॉस, तो हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते इधर साइड के लिए। और कुछ ऐसे पर्वत टाइप के हैं, तो बस दिखने में बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है ना इसका, आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ मैं, देख रहे होंगे आप पूरा इतना अच्छा व्यू आ रहा है इधर साइड का। और ये पीछे से ऐसे कुछ स्टैचू है, ये पीछे से ऐसा कुछ स्टैचू दिख रहा होगा आपको, और इसको इतना अच्छी तरह से सजा रखा ना भाई, यहाँ पे पूरी फूल फूल से ऐसा सजा रखा इसको। और दिखाएंगे हम आपको आगे का एक्सपीरियंस कैसे कैसे रहता हमारा। तो
भाई यहाँ पे आके इतना सुकून मिल रहा ना भाई, एकदम शांति है यहाँ पे, और शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ आ सकते हो नीचे, हाँ एक मूर्ति के नीचे। भाई कैसा लग रहा तुझे यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा। कैसा फील हो रहा? फील तो अच्छा हो रहा, पर अगर तू कुछ खिलाएगा तो ज्यादा अच्छा। तो इसको हम कुछ नहीं खिलाएंगे, ऐसे ही भेजेंगे। तो इसका यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है, और हम यहाँ पे टॉप पे आ गए हैं जहाँ पे ये मूर्ति है। तो देख सकते हो आप भाई कितनी बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ से पीछे से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जितना भी पूरा एरिया दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, पूरा पूरा एरिया इनका ही है। तो गाइस यहाँ पे तीन मूर्तियाँ हैं, फर्स्ट तो ये है, और सेकंड आपको दिख रही होगी यहाँ पे, और थर्ड उसके बगल में। तो तीनों जगह हम अभी जाएंगे, अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट वाले में आ रखे हैं, जा रहे हम दूसरी लोकेशन पे। और देखो भाई कितने प्यारे प्यारे, कुछ तिब्बती लैंग्वेज में लिख रहा है। यहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज भी होने वाला, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है और हमने कभी भी पब्लिक में ब्लॉग नहीं किया। मैं इसका फ्रंट से व्यू चेक कराता हूँ आपको, तो वहाँ पे जाके हम इसका व्यू चेक कराएंगे। सामने से इसका व्यू चेक कैसा आया कुछ भाई, कितना प्यारा लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा है, इसके बैक में चेक कराता हूँ, बैक में भी कुछ चीज़ें बन रखी है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बन रखी है यार। जो ये बुद्धा लोग होते हैं ना भाई, इनके ना जो जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं बहुत कलरफुल वगैरह होते हैं, मतलब सारे कलर का मैच किया रहता है, तो इतनी प्यारी प्यारी लगती ना वो चीज़ें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने पे, बहुत ही प्यारी लगती है स्टैचू, ये जो सजावट वगैरह की रहती है इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगता है। शायद ये सरस्वती, और यहाँ पे हंस है जहाँ तक मुझे पता है, और यहाँ पे कुछ पानी कट्टा रखा। फिलहाल हम थोड़ा छाव में आते हैं, और धूप हो रही बहुत, मतलब धूप में आया ना हम यहाँ पे। घर से बोल के आया था मैं कि कल थोड़ा बारिश लगी थी, तो अच्छा मौसम था घर में, और यहाँ देखो भाई साहब धूप ही धूप है। तो हम इनको पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आने का। सना कैसा लगा तेरे को? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गर्मी तो खैर धूप के, मेकअप उतर गया। पर ये प्लेस कैसा है, प्लेस से कैसा लगा तेरे को? अच्छा, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें आके, बहुत ही हरा भरा। मुझे नहीं बोलते कभी ऐसा। तो मुझे इस टेम्पल में एक बहुत अच्छी बात लगी, यहाँ देख रहे होंगे आप इतनी शांति है, और लिमिटेड लोग है सबसे बड़ी बात। और यहाँ देख रहे होंगे आप जितने लिमिटेड लोग हैं ना भाई, देख रहे हो कुछ नोटिस किया आपने? यहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा कचरा 1% भी नहीं है, और यहाँ एकदम साफ़ सफाई कर रखी लोगों ने। तो अभी हम जा रहे हैं बुद्धा के मेन टेम्पल में, और जो मेरे बैक में दिख रहा होगा आपको, तो बस ये है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर हम एंटर होने वाले हैं, और अंदर से दिखाएंगे आपको कि कैसा कैसा लगता है ये। बहुत ही प्यारा व्यू होने वाला है यहाँ का, जहाँ तक मुझे बाहर से देखने में इतना अच्छा लग रहा है, अंदर जाके क्या ही अच्छा होगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी हमने शूज़ पहने थे ना, शूज़ को वहाँ रखना पड़ेगा, फिर हमें अंदर एंट्री मिलेगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आप सबको अंदर से चेकआउट कराते हैं। हाँ उसी के ऊपर रखना है, रखो खुद रखते हो अंदर। तो फोटोज़ या फिर वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है, विजिट करके अंदर जा सकते हो कि कैसा है अंदर, क्या नहीं है। हम आए तीसरे स्टैचू पे, तो वो चेकआउट कराते हैं हम आपको। पीछे जो मेरे दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्टैचू है, और बिना मास्क के अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। मैं आपको बाहर से चेकआउट करा सकता हूँ कि बाहर से कैसा कैसा दिख रहा हूँ। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको पूरा स्टैचू। तो बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पे विज़िट करके देखना भाई, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। और जिसकी बड़ी विशेष होगी ना, तो वो ये घुमाना। यहाँ पे हम फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं थोड़ा, फिर यहाँ से सीधा घर निकलते हैं। और यहाँ पे एक मार्केट भी है अंदर, ये कुछ कार रखी इन्होंने मर्सिडीज़ का, इस पर लोगो लग रखा, मर्सिडीज़ का लोगो है ना ये, हाँ। तो और इस कार पर ना किसी ने इन्होंने मूर्ति वगैरह रख रखी है, और जो इसके बारे में इस पर यहाँ पे लिख रखा है कि कैसा कैसा हुआ था इस कार को लेके, शायद ये गिफ्टेड है ना। हाँ तो शायद किसी ने दे रखी है, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, अगर किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो कि क्या है इस कार का राज। तो बस यहाँ से निकलते हैं, और इसके जस्ट बगल में कुछ भाई, इनकी डिटेलिंग रहती है ना इतनी प्यारी प्यारी की रहती है ना भाई, आप इनको देखोगे ना, और ये कलर्स की रहते हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर धूप हो रही ना इसकी वजह से भाई, हमें जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा यार, मतलब पसीना पसीना हो गया सब। तो अब चल रहे हम, तो यहाँ से अब चल रहे हम। और मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे एक मार्केट भी, तुझे पता है यहाँ पे मार्केट भी है बगल में, हाँ। तो वो हम शायद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें लेट हो रहा, धूप भी हो रही है ना।